जाने का जुलूस ये चिटको मत रे आ जाइए बाउंसर नहीं साथ में क्या हां खुद ही बाउंसर हम अंदर अंदर तो साइड में सब अंदर टेबल रखी है ना उधर उधर बूम रख देंगे टेबल भाई एक आदमी पकड़ लो ना कोई ब्रदर अपने रोल की तारीफ सुनकर फिल्म की तारीफ सुनकर सभी कलाकारों के काम की तारीफ सुनकर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के काम की तारीफ सुनकर सच में कहूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो गया और इतने वर्षों के बाद गेटी गैलेक्सी में सिनेमाघर में जहाँ पहले फिल्में देखते थे फिर हमारी फिल्में यहाँ लगती थी आज यहाँ पर आके और लोगों का इस प्रकार का उत्साह देखकर फिल्म सूर्यवंशी के प्रति इस प्रकार की पॉजिटिव कमेंट्स को देख के इस तरह की हाउसफुल को देखकर बहुत ही खुशी हो रही अच्छा लग रहा है। दीपावली के बाद पहला दिन नया साल इस प्रकार के एक्साइटमेंट से शुरू हुआ है तो खुशी हो रही भाई बहुत खुश। कल से कहीं ना कहीं काफ़ी देर और शो शुरू हुए बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सर उसकी कहीं ना कहीं नाराजगी तो नहीं है आपको क्योंकि बहुत लोग शो नहीं बुक कर पाए। ब्रदर अगर आप सोशल मीडिया देखें तो सारे फैंस अक्षय कुमार के हमारे यही कह रहे थे कि हमारे इलाके में हमारे शहर में अभी तक एडवांस बुकिंग नहीं खुली है। हम भी बड़े परेशान थे बार बार प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टर को उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको फ़ोन कर रहे थे हम और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहे थे। उससे समझ में आ गया था कि सभी के सभी किसी समस्या को सुलझा रहे हैं तो काफ़ी रात में डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पे मैसेज डाला कि एक और विक्ट्री फिल्म सूर्यवंशी सिंगल स्क्रीन और सिनेप्लेक्स में साथ ही साथ कल पूरी जगह पर लगेगी। मैं अब घर जा रहा हूँ पहला खाना खाने यानी कि सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया था एंड दीपावली की शुभकामनाएं भी लिखी थी उसमें तो उससे पता चलता है कि ये सिनेमाज और फिल्म मेकर्स के बीच में कोई कारोबारी डिसीजन उसमें समय लगा। मुझे लगता है कि ये पहले हो जाना चाहिए था। ये बड़ी फैंस के लिए बड़ी डिस्करेजिंग बड़ी इमोशनली तकलीफ़ वाली बात थी और हमने पिक्चर में काम किया है बहुत सारे पिक्चर में काम किया पर इस पिक्चर से बड़ा प्रेम है बड़ा लगाव है उसके बाद अक्षय कुमार मेरा जिगरी यार है तो मैं भी बहुत परेशान था कि यार दिवाली का समय रात हो गई हर थोड़ी थोड़ी देर में यही सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे थे कि अभी तक एडवांस बुकिंग नहीं खुली है तो वो मामला पहले सुलझ जाना चाहिए था ऐसा मुझे लगता बट फाइनली ऑल इज़ गुड दैट एंड्स वेल। फिल्म सूर्यवंशी सिनेमा में है आपने लोगों का उत्साह देखा बाहर आप देख रहे हैं हाउसफुल है और अभी अभी जो एक एक्सपर्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि 98% सारे के सारे शो फुल हैं गेटी गैलेक्सी में और दूसरे सिनेमास में वी आर हैप्पी एक्साइटेड। उसके ऊपर जिस तरह से लोग मिल रहे हैं और जिस तरह से मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं उन्हें उस्मानी का वो रोल बहुत पसंद आ रहा है चाहे वो यू नो लाइक कुछ जर्नलिस्ट दोस्त मिले उन्हें बहुत पसंद आया चाहे जनता के चाहने वाले मिले तो आई एम वेरी हैप्पी एक्साइटेड। फिल्म सूर्यवंशी बिल्कुल जी ये दिवाली सूर्यवंशी वाली एकदम एप्ट लाइन है। देखिए इस फिल्म के सिनेमाघर में आने से सिनेमाघर में सक्सेसफुल होने से सिर्फ एक फिल्म को फायदा नहीं है फिल्म व्यवसाय को फिल्म कारोबार को मनोरंजन के इस कारोबार को जो कि काफ़ी समय से एकदम बंद पड़ा था उसके खुलने की जिससे कि लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है कारोबार जुड़ा हुआ है ना सिर्फ एक्टर्स टेक्नीशियंस म्यूजिशियन बहुत सारे लोग बिहाइंड द सीन काम करने वाले सिनेमा चलाने वाली जो क्या कहते हैं लोग हैं तो सभी का इस व्यवसाय जो है रुका हुआ था कमज़ोर पड़ा हुआ था तो हम तो यही कहेंगे भगवान करे सूर्यवंशी बहुत चले लोग पिक्चर को एंजॉय करें
लोग सेफ रहें, हेल्दी रहें, और उसके बाद जो लाइन अप ऑफ फिल्म हैं, बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, वो सब सुपर डुपर हिट हों। आखिरी सवाल, आज यहाँ पे आप बीटी के लिखे में आए, यहाँ पे शो फुल हाउस है ऑलमोस्ट और वीकेंड तक, कितने एक्साइटेड, कितने खुश हो, क्या आज यहाँ करने वाले हैं? आप बता नहीं सकते, बहुत खुशी की बात है कि ये एक आइकॉनिक थिएटर है गेटी गैलेक्सी। मनोज जी है नहीं इस वक्त, मनोज जी हमारे पुराने मित्र हैं, जब से हमने फिल्मों में काम शुरू किया, जब फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे तो भी आते थे उनसे टिकट लेने के लिए कि हमको टिकट दे दो, हमको देखना है, और जब पिक्चरें लगती थी तो यहाँ ज़रूर आकर देखते थे, और अगर कोई मीडिया का इंटरेक्शन है तो यहीं होता था गेटी गैलेक्सी में। तो गेटी गैलेक्सी में इस प्रकार से सोल्ड आउट हाउसफुल, इस प्रकार से लोगों का प्यार उत्साह देख कर बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। और जैसे मैंने पहले कहा, फिर दोबारा कहता हूँ, सूर्यवंशी की सक्सेस सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस नहीं है, ये फिल्म व्यवसाय जो कि रुक गया था उन सब की सक्सेस होगी। आगे आने वाली बहुत सारी बहुत ज़बरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग फिल्में, बड़ी फिल्में छोटी फिल्में, उन सबको ऑडियंस मिलेगी। जाते जाते दर्शकों क्या कहना चाहेंगे जो ऑडियंस अभी भी आने के लिए कतरा रही है, उनके लिए? देखिए, घबराहट झिझक सबको होती है, हमें भी थी, जैसे देखा आपने, देखा लोगों ने घेर लिया तो बड़ा हिम्मत करके घर से निकले थे, मास्क भी निकाल कर रख लिया साइड में थोड़ी देर के लिए कि मीडिया का इंटरेक्शन है एंड, लेकिन जैसे लोग करीब आ रहे थे, बहुत करीब आ रहे थे, थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर सेंसिबल तरीके से सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखना, सेंसिबल तरीके से इन्जॉय करना, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे आवाज़ें सुन सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में पब्लिक की, क्या आवाज़ आ रही है अंदर से, ये देखिए, जैसे कोई मज़ेदार सीन होता है वैसे कुछ आवाज़ आ रही है, तालियाँ बज रही हैं, मुझे लगता है जैसे मेरे कोई डायलॉग बाजी है मेरी उस पर भी तालियाँ बज रही हैं, तो मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा, पुरानी एक फीलिंग याद आ रही है।